नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं गुरुओं की, टीचर्स की, कोई सिखाने वालों की, तो उसमें हम अक्सर गुरुदेव जो है ना, जुपिटर, उनका नाम लेते हैं नॉर्मली। पर जो सबसे स्ट्रिक्ट जो टीचर होते हैं ना, उनके ही स्टूडेंट सबसे आगे निकलते हैं। और ऐसे ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं शनिदेव। और बहुत ही विशेष घटना हो रही है कि शनि महाराज 140 दिन, मतलब कि आपका करीब 4 महीने और 20 दिन वक्री होने वाले। हर साल वक्री होते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्री हर साल होते हैं शनि, पर खास बात यह है कि इस बार वो अपने ऑफिस में बैठ के वक्री हो रहे हैं, कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण है, और ऐसा करीब 30 साल बाद हो रहा है। तो इस नज़रिए से बड़ी घटना है। अब इस पर हम बातें करेंगे कि जो शनि का वक्री होना है, जो कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक है, ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। साल का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, करीब 1/3 जो है शनि वक्री हो रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर आएगा। पर इससे पहले थोड़ा सा शनि देव के बारे में बात करना तो बनता है। ओम सम शनिश्चराय नमः। देखिए, शनि देव जो हैं पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग तो भगवान सूर्य और माँ छाया के पुत्र हैं। छाया जो है सूर्य की जो पत्नी है ना, संजना, जो रियल पत्नी है, वो उनका ताप नहीं सह पा रही, जो विश्वकर्मा की पुत्री हैं। तो वो क्या, उन्होंने क्या सोचा, एक तप करने के लिए गई ताकि वो भगवान सूर्य का ताप सह सकें, और अपनी छाया, अपने जैसी जो कॉपी है वो छोड़ गई। इसको हम छाया कहते हैं, जो यम और यमी, जो संजना के जो पुत्र पुत्री थे उनकी केयर टेक कर सके। तो फिर बाद में सूर्य, भगवान सूर्य और जो छाया, जो माता संजना छोड़ के गई थी, उनसे एक पुत्र जन्म लेगा, वो होता है शनि महाराज। तो ये उनकी स्टोरी है। पर कहीं कहीं जो है बलराम और रेवती के पुत्र भी शनि कहे जाते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में एक शनि भी है। मतलब जब कृष्ण बात करते हैं ग्रहों की, तो बोलते हैं कि उन ग्रहों में मैं शनि हूँ। इसलिए कृष्ण की पूजा भी भगवान शनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ माँ काली को शनि की बहन माना गया है। काल है स्वयं शनि महाराज, माँ काली भी काल से जुड़ी हुई है, काल को कंट्रोल करने वाली देवी, और महाकाल स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव है। यही जब शनि के वक्री होने की घटना आती है, तो चाहे वो गणेश जी की कथा हो, जब उनका भगवान शिव ने गर्दन जो काटी थी उसके बाद वो गणेश बने वास्तव में, चाहे वो आपका माँ सती की कथा है जिसमें सती जल जाती है, वहाँ भी वक्री शनि की कथा आती है, भगवान शिव के संबंध में भी आती है। पर हर बार देखा गया कि जब भी वक्री शनि की दृष्टियाँ की रिजल्ट आती है, कोई ट्रेजेडी दिखाते हैं, सिंबोलिज्म, मतलब कोई कठिनाई, पर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अक्सर उसके बेटरमेंट के लिए होता है, उस व्यक्ति को और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पुराणों से हमें ज्ञान लेना है, डरना नहीं है। गणेश जी का सर कटा तब वो गणेश बन पाए, माँ सती फिर वहाँ हुई, फिर उन्होंने फिर से जन्म लिया, तो सती की जो कटना हुई, तो उसके बाद वो वास्तव में शिव से मिल पाई। तो कुछ अच्छाई के लिए ही, सही शनि का जो जस्टिस है वो अच्छाई के लिए, सिखाने के लिए है। पर चूंकि इनको दंड नायक कहा गया है, रिजल्ट देने वाला गया कहा गया, और ये इनको उपाधि किसने दी है, भोलेनाथ ने दी है, कि आप जो है ना एक जज का काम करोगे बिना किसी भेदभाव के, जिसका जो रिजल्ट है वो दोगे। तो शनि किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, अगर आप सही पाथ पर हो, आपने मेहनत कर रहे हो, आपने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है, और आप सही चीज़ों के थ्रू आगे जा रहे हो, तो शनि की दशा में, शनि की 7.5 में एफर्ट तो ज़रूर बढ़ेगा, हार्डवर्क तो ज़रूर बढ़ेगा, मेहनत तो ज़रूर बढ़ेगी, पर आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही शनि वक्री की भी एक कथा है आपकी, कि जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल को लिया था, विष जो निकला था समुद्र मंथन के दौरान, जिससे सारी प्रकृति में एक तरह का हाहाकार मच गया था, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा था, तो भगवान हरि विष्णु ने एक तरह से बताया था कि भगवान शिव ही इसको धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने जब हलाहल धारण किया था, तो कुछ हलाहल गिर गया था जो बिच्छुओं में, जहरीले पशुओं में आ गया, और जब धारण किया तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती ने उनकी सहायता करी ताकि वो नीचे ना जाए, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सिम्बोलिज्म है एक तरह से। और कहानी ये भी है कि देवताओं ने भी उसका थोड़ा साथ दिया भगवान विष्णु के कहने पर, मतलब वो जो हलाहल था उसकी थोड़ा थोड़ा देवताओं ने भी लिया, तो शनि महाराज ने भी लिया हल्का सा, तो उनको सहने में बड़ी दिक्कत हुई और वो उल्टा चलने लगे। तो कहते हैं कि ये स्टोरी रेट्रोगेट शनि की है। तो ये हमारी स्टोरी है, होगी एक तरह का, एक बन गया रेफरेंस, क्या करना होता है इसमें, शनि क्या करना चाहते हैं, जहाँ पर वो बैठे हैं
वहाँ आपको आपको देखना है कि वहाँ आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, आप सही रास्ते पर तो जा रहे हो, किसी तरह से गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे। जहाँ उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है वहाँ आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। जहाँ सातवीं दृष्टि है वहाँ आपको बैलेंस बना के रखना है, उतार चढ़ाव मतलब एक तरह का, कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो जहाँ पर सातवीं दृष्टि है। और जहाँ दसवीं दृष्टि है वहाँ आपको त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, देना है, तो फिर जो शनि रेस्ट्रोगेट है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम आपकी जो राशि है चंद्रमा की उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे कि क्या लेकर आया है आपका जो शनि का जो वक्री होना है, विशेष घटना जब शनि अपने ऑफिस में होकर वक्री हो रहे हैं वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, अब उस पर बात करते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आप देखेंगे कि शनि बैठे हुए हैं आपके चौथे भाव में, एक तो ढैया ऊपर से वक्री शनि की ढैया। खैर कहते हैं ना दाना खाक में मिलकर गुले गुलनार होता है, कहने का मतलब यह है कि जब एक दाना मतलब एक बीज खुद को मिटा देता है, मिटाने का मतलब है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बदल जाता है, तब वो एक पौधा बनता है, एक पौधा बनता है, फिर उस पर पत्तियाँ लगती हैं, फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं, फिर दूसरा पौधा बनता है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको खुद को मिटाना होता है, बदलना होता है अपने आप को। ट्रांसफॉर्मेशन का इस समय आपके लिए आया हुआ है वृश्चिक के लिए। वक्री होना आपके लिए ठीक ठीक कहेंगे हम, बहुत शुभ नहीं कह सकते वक्री जो शनि है। क्यों? तो इसलिए नहीं कि वो ढैया चल रही है, इस वजह से कि आपके लिए वो तृतीय और चतुर्थ के स्वामी, और आपके जो स्वामी हैं वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, उनकी कोई खास फ्रेंडशिप उनसे है नहीं, ये बात समझने की है यहाँ से। तो सबसे पहले चौथे भाव में आपको थोड़ा आत्ममंथन करना है, मतलब माता के साथ रिश्तों में, अपनों के साथ रिश्तों में, खुद अपने मन की शांति पर। कहीं ऐसा तो नहीं जितना आप टेंशन ले रहे हो उतना टेंशन लेने की वजह है नहीं, एक्स्ट्रा तो नहीं ले रहे आप। और प्योरिटी का ध्यान रखना है, मतलब आपने जो कड़वे अनुभव हुए हैं लाइफ से, कहीं उसकी वजह से आपने अपनी पवित्रता, प्योरिटी, अपनी थॉट्स को ही तो नहीं बदल दिया। क्योंकि आपको अगर चार लोग गलत मिले हैं इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया गलत है, पर जब हम चार लोगों से गलत मिले तो हमको ऐसा ही लगने लगता है कि बस शायद दुनिया ही ऐसी है, सभी लोग ऐसे होते हैं, तो उससे हमारी थॉट्स पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे वीडियो देखना, अच्छे ऑडियो को सुनना, अच्छी खबरों को, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारे मन की पवित्रता बन सके। क्योंकि चौथा भाव पवित्रता का है, शुद्धि का है, मन का है, कैसे बोलते हैं दिल का जो व्यक्ति अच्छा होता है उसका है। तो अपने जो भी अनुभव हो रहे हैं, कड़वे अनुभव अगर हो रहे हैं तो उसको मन तक, दिल तक नहीं छूने देना, अपने मन को पवित्र बना के रखना है। इसके साथ साथ अब शनि चौथे भाव में वक्री हैं तो माता के स्वास्थ्य में अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से कुछ हो सकता है, वो एक्सेप्टेशन जो आपकी है वो पूरी ना हो पाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, पर उसकी वजह से ज़्यादा हर्ट नहीं होना है। शनि की तीसरी जो दृष्टि है जहाँ पर मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क है, वो कर्म दिखा रहा है। 2, 6, 10 जो होते हैं कर्म त्रिकोण होते हैं आपके, अर्थ त्रिकोण होते हैं, तो काम के क्षेत्र पर पैसे के लिए, धन के लिए एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत बहुत करना पड़ेगा, करना चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। ये भाव रोग ऋण शत्रु का भी है, मतलब लड़ाई झगड़े से बचना है। हालांकि शनि की दृष्टि है, शनि वक्री हो रहे हैं तो लड़ाई झगड़े में नुकसान होने का चांस तो कम है, पर फिर लड़ाई झगड़े से बचना यहाँ पर ज़रूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी यहाँ पर ज़रूरी है। ये भाव आपके नौकर चाकर का भी है, आपके यहाँ अगर कोई सर्वेंट्स काम करते हैं तो उनके साथ रिश्तों में, मतलब उनके साथ कुछ मतभेद ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये भी ख्याल रखें कि वो कुछ उल्टा सीधा ना करें, बाय चांस ऐसे बोल रहा हूँ मैं, अपने जो कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, आपके जो पालतू जानवर हैं उनका ख्याल रखें, पॉसिबिलिटी है कि उनकी तबीयत वगैरह कुछ दिक्कत आ सकती है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इसके साथ साथ सर्वेंट के मामले में ये भी है कि आपका सर्वेंट कोई छोड़ के चला जाए या कोई नया सर्वेंट आ जाए, इस तरह के इवेंट यहाँ पे हो सकते हैं। आपकी जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो लग सकती है, और ज़्यादातर जॉब लगने का चांसेस पुराने सूत्रों के, पुरानी जानकारियों के थ्रू है, पुराने दोस्तों के थ्रू चांसेस है, या फिर जो इसके लिए आप पहले से ट्राई कर रहे थे पहले नहीं लगी और अब लग जाए, इस तरह का संबंध बन रहा है। क्योंकि बकरी मतलब पीछे लौटना, पुराने वाली चीज़ों को कहीं ना कहीं लाइफ में फिर से आना। दसम भाव पर बैलेंस बना के रखना है, मतलब आपको कार्य पे फोकस करना है, मेहनत करना है, एफर्ट करना है, अपना डिसिप्लिन अनुशासन बना के रखना है, पर साथ में अपने परिवार की तरफ भी ध्यान देना है, बैलेंस ना गड़बड़ा जाए। क्योंकि दसम भाव को शक्ति ही चतुर्थ भाव से मिलती है, जो मन की शांति, अगर आप मन से शांत हैं, आपकी बुद्धि संभाव में है, तभी आप कार्य में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप मत बुद्धि आपकी संभाव में नहीं है, स्थिर नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, अच्छा
नहीं कर पाओगे। इसीलिए चौथे भाव को दशम की शक्ति, जिसका मन शांत है, मन शांत तभी रहेगा जब आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं बैलेंस हो, घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, तो उसके लिए आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना है। दशम भाव पर शनि की दृष्टि ये भी दिखा रही है कि भाई इस फील्ड में कोई बड़ा चेंजेस भी आ सकते हैं, मतलब आपकी पद प्रतिष्ठा सम्मान भी बढ़ सकता है, आपको नया जॉब आदि कुछ मिल सकता है अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है। गुरु की भी दृष्टि, आजकल गुरु मेष में चल रहे हैं ना, तो उनकी भी दृष्टि यहाँ पर आ रही है, तो पर कुछ समाज में आपकी स्थिति के जो है, जिस कारण से जो आपकी पद है, पदवी है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें कुछ बड़े और अच्छे परिवर्तन भी यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपके शनि शुभ हैं, दशा महादशा ऐसी चल रही है। और देखिए जो आपकी राशि है उसी पर शनि की दृष्टि आ रही है, तो चीज़ें डिले तो होंगी, देर से तो होंगी। पहला भाव आपका खुद का है, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे बोलते हो, आपकी जो व्यक्तित्व है उसका है। इसके साथ साथ आपके अर्ली चाइल्डहुड का है, हेल्थ का है, स्वास्थ्य का है, पर्सनैलिटी का, फेम का, लॉन्गजेविटी का है, सर का भी है सर, तो अपने सर का ख्याल रखें। मतलब थोड़ा बहुत अगर सर में इस एरिया में कोई दिक्कत है, सर में दर्द होता है, या आपके कुछ सर से संबंधित कोई भी चीज़ है, बालों से संबंधित कोई है, आँख कानों से यहाँ तक का जो एरिया है, इसका थोड़ा सा केयर रखने के लिए कहा गया है। और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। शनि की दृष्टि आ रही है उस पर प्रथम भाव पर, इसीलिए ढैया को, ढैया हो या साढ़े साथी हो, हम स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही होता है यहाँ पर। तो तीनों दृष्टियाँ हो गई, शनि का प्रभाव हो गया। एज ए रेमेडी हम बात कर चुके हैं पहले कि देखिए माँ काली, भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी, इनमें से किसी की भी आप पूजा प्रार्थना करेंगे तो बहुत बढ़िया है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं आप, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के मंदिर में आप बांसुरी का दान कर सकते हैं, भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं शनिवार वाले दिन। इसके साथ साथ वृद्ध लोग हैं, ओल्ड पीपल हैं, आपसे जो कमज़ोर लोग हैं उनकी है, उनके लिए कुछ करना, सर्वेंट वगैरह जो होते हैं उनके साथ कुछ अन्याय ना करना, इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ढैया में बकरी शनि होने के बावजूद भी चीज़ें ठीक रहें, ऐसी ही मेरी आशा है। और इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आई होप इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, और दूसरों के लिए भी कुछ आप चाहते हैं कि हाँ ये वीडियो ठीक है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।